गांव हजारा से आज एक दुखदायी खबर सामने आई है, जहां एक 7 वर्षीय मासूम लड़की का शव मिला है। मृतक के परिजनों की माने तो 7 वर्षीय लड़की 2 दिन पहले ही घर से गायब हो गई थी और आज उसका शव मिला है। परिजनों के अनुसार रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही 25 वर्षीय आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस की ओर से कोई भी अधिकारी इसके बारे में जानकारी देने के लिए कैमरे के सामने तो नहीं आ रहा, पर अभी रिपोर्ट आने का हवाला देकर पीछा छुड़ाते हुए जरूर नजर आए। दूसरी ओर देखें तो मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस उन पर लड़की के अंतिम संस्कार करने का प्रेशर डाल रही है। अगर आधिकारिक तौर पर बात करें तो ना तो पुलिस और ना ही किसी डॉक्टर ने कैमरे के सामने आने की हिम्मत की। हाँ जी, बाहरों आया ही यार। तुसी किधरों आए सर? उधर ऐसा चुदा होने हैं, देख लो जाके। नहीं मैंने नहीं पता। नहीं जी, मैंने कुछ नहीं। मेरी कितने भी हो गए हैं तुम ही काम। पता लगे तुसी बच्चे आए हो, मौका वारदात पे आए हो, की करना? आही तो आए हैं, उधर होर पासे आए हैं। मौका वारदात पे डेड बॉडी तुसी लेके आए हो, अपनी सुरत नहीं था? आही नहीं लेके आए, आही तो अपनी गड्डी जाए हैं। नहीं जी, सानू पता ही है। लड़की के साथ रेप हुआ है या नहीं, फिलहाल इस मामले की जांच होना भी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव भारत, जलंधर। था 2 बजे मेरा फोन आया था कि तेरा बच्चा को लेकर भाग गया था। वो लेकर भाग गया संतोष ने, वो लेकर भाग गया उधर गन्ना है, पता नहीं चला, तो कैमरा में पता चला उधर लेके गया है। तब बराबर वो सारे फोन किया, अच्छी किया, तब सारे को आया ढूंढ के कर भर रात, सारे रात 2 दिन तक उधर खोजता, नहीं मिला। फिर आज मिला गन्ना खेत में बच्चा मेरा, वो संतोष था। मेरा रिश्तेदार ने वो इसका रिश्तेदार था सर, लड़का था, इसको सलाह था, यही रहता, यही ग्राउंड में रहता था, यही रूम में रहता था सर, इसी रूम में। तो अभी पुलिस डेड बॉडी लेके आई है सिविल कोर्ट। हाँ जी, हाँ जी सर, क्या अभी क्या उसको पता होगा सर, मेरे को नहीं बताया अभी, पुलिस वाले के अभी क्या बताया, क्या है आपको संस्कार अभी करना है? वो बोलता है अभी करो, कल बिहार चलो। वो बोलते हैं सर कि डेड बॉडी बहुत टाइम हो चुका है लाश को, उसको अब दे देना, जलाना चाहिए, खराब हो। रात होने वाली है अभी, 6:30 का टाइम हो चुका है, तब ये संस्कार कैसे होगा? अब सर अब हम क्या बताएं आपको, अब पुलिस वाले बोल रहे हैं, तब हम क्या कर सकते हैं? हम लोग गरीब आदमी है, खाने कमाने वाले आदमी है, हमको उतना पता नहीं है। आप क्या लगते हैं? मैं लड़की का मौसा लगता हूँ। मुझे एक बात बताइए, जैसे अभी वो डेड बॉडी छोड़ गया तो पुलिस वालों ने आपको बात की है आपसे? अगर वो कह रहे इतना टाइम हो गया, वो तो ऐसे छोड़ के जा ही नहीं सकते सर। उन्होंने देखिए, उन्होंने बोला कि शमशान घाट सीधा लेकर चले जाओ। अब हमारा परिवार सब यहाँ है, हम कोई उसका गैर तो थोड़ी है, हमने कोई खून थोड़ी किया है, हम चुपे जाके कहीं पर जला देंगे। अब हमको तो अगला का जवाब देना होगा ना। देखिए सर, डॉक्टरों ने तो मुझे स्पष्ट नहीं बोला है, मुझको पूरा राय भी नहीं दिया है, बस वहाँ पर पोस्टमार्टम हुआ है, बस वही उतना ही पता है हमको। और उसके बाद कितना टाइम में मौत हुआ, क्या हुआ, कैसे मौत हुआ, उसका हमको कुछ भी नहीं बता पाता मालूम है। हमने सर काम पर चल गए हैं, खेत में काम करने के लिए, आलू पटने के लिए, मेरा कुरी घर में था। अनिल नाम को बंदा बोला, चलो तुमको चॉकलेट देंगे, बिस्कुट देंगे, तुमको साइकिल पर घुराएंगे। मेरा कुरी बोला मैं नहीं जाएंगे, मेरा मम्मी मारेगा, मैं जाएंगे तो घर छोड़ के। मेरा मम्मी बोला घर छोड़ के जाने के लिए नहीं, बोलता तेरे मम्मी नहीं बोला मारेगा, तेरे मम्मी बुलाया तुमको खेत में, तुम चलो। तो मेरे कुरी को बोलता है चॉकलेट देंगे, बिस्कुट देंगे, चलो। मेरे कुरी को साइकिल पर बांह पकड़ के उसको चढ़ा लिया। कौन लेके गया? संतोष ले गया। संतोष कौन है? संतोष अनिल को साला है। अच्छा, वो लड़की को लेके गया? वो लड़की साइकिल पर बैठा को ले गया। तो आज कैसे पता चला आपको आपकी लड़की इधर है? तो हमने काम पर से 2:30 बजे चला या धेबेला काम कर को, तो सारे ने आना बच्चा बोला तेरे कुरी को बंदे ने चाक के ले गया, तेरे कुरी नहीं जाता सी। उसने बोला कि संतोष जब उधर बाकी 2:30 बजे लौट के आया, वो
तो बोले मेरा कुरी कहाँ पे आ जाए, बोलता तेरा कुरी मैं तेरे रूम पर छोड़ दिया चॉकलेट बिस्कुट दे के। हमने बोला मेरा तीन कुरी यहाँ पर है, तीन बच्चे यहाँ पर है, मेरा एक बच्चा कहाँ चले जाएगा, वो होशियार चलाक बच्चे हैं वो। बोलता मीनू नहीं पता तेरा कुरी कहाँ गया, नहीं गया वो। उसको दीदा बोलने लगा कि इसको पकड़ने क्यों लगा, पहले तो अपना कुरी खोज लो फिर हमारा सलाक तुम फरना पकड़ना। ले गए आपकी जान पहचान का था, क्या नाम क्या है बच्ची का? बच्चे का नाम हमारा सुनीता है। उम्र कितनी है उसकी? 7 साल, 7.5 साल। तो कहाँ से मिली सुनीता आज? आज गन्ने खेत से मेरे सुनीता मिला। पहले सरदार ने उसको देखा तो यहाँ आके बोला कि लहास पड़ी है गन्ने खेत में कुरी के। तब हम लोग गए तो उठा कर सरदार ले गया पोस्टमार्टम कराने के लिए, वो उसको गाड़ी पर बैठा के। तो पुलिस आई थी मौके पर? हाँ, पुलिस को 7 लहास मिला है। बे औलाद जोड़ियां दे लई वरदान मेडिकोम आयुर्वेदिक सेंटर अमृतसर। कट शुकरानू ढिलापन गर्भ दा ना ठहरना जिया बीमारियां दा शर्ती इलाज। बेसिकली आज की रेट में 50-60% लोग जो माँ बाप नहीं बन पा रहे वो सिर्फ इसी वजह से हैं कि उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है इनएक्टिव खान पान की वजह से स्पर्म्स काउंटिंग की कमी होना। निराश हो चुके जोड़े एक बार जरूर संपर्क कर मेडिकोम आयुर्वेदिक सेंटर अमृतसर।